स्वस्थ शरीर रुद्राक्ष प्रदान करता है, स्वस्थ मन स्फटिक प्रदान करता है और भोलेनाथ की शक्ति अमोघ महामृत्युंजय कवच के साथ इस त्रिशक्ति माला में हमने समाहित की है और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में इसे निर्मित नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठित भी किया जा रहा है। इस त्रिशक्ति माला से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ स्वस्थ तन और स्वस्थ मन भी पा सकते हैं। इस माला को परिवार का कोई भी सदस्य धारण कर सकता है। इसे धारण करने के कोई परहेज नहीं है बल्कि इसे धारण करके भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। आप अपने और अपने परिवार के लिए इस माला को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। आपने कई बार सोचा होगा कि मक्खी की क्या जरूरत है, मच्छर की क्या जरूरत है, बहुत सारे जीव हैं, इनकी कोई हमारे लिए अहमियत तो है नहीं। आज इस कहानी से आपका यह शक दूर हो जाएगा। बात दरअसल बहुत पुरानी है। पर्शिया के नागरिक पक्षियों से काफी परेशान थे, जैसे हमारे यहां पर भी कुछ लोग कबूतर से बड़े परेशान है, गंदगी करते हैं, बैल्कनी में आ जाते हैं तो परेशान रहते हैं, ऐसे ही वहां के लोग बड़े परेशान थे। बहुत सारे पक्षी आते और वहां के किसानों की फसल को तबाह कर देते, जैसे एक समय में टिड्डी दल भी आता है। परेशान किसान अपना दुख लेकर वहां के राजा फ्रेडरिक के पास पहुंचे। फ्रेडरिक क्रोधित हो गए। उसने तत्काल घोषणा की कि राज्य के सारे पक्षियों को मार दिया जाए और जो मारेगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुरस्कार के लालच में वहां के नागरिकों ने सारे पक्षियों को मार डाला। ऐसे में उनकी समस्या तो हल हो गई, लेकिन लोगों ने जश्न भी बना दिया। परंतु जब अगले वर्ष किसानों ने खेतों में बीज बोए तो सारे बीज जमीन में रहने वाले कीड़े ही खा गए। पहले ऐसे कीड़ों को पक्षी खा लिया करते थे, उस वर्ष फसल नहीं हुई, राज्य में तबाही का मंजर पैदा हुआ। ऐसे में राजा फ्रेडरिक ने दूसरे राज्य से पक्षी मंगवाए और अपनी गलती पर बहुत पछतावा किया। क्या सीख मिलती? सभी जीव इस पृथ्वी पर एक दूसरे पर निर्भर है। किसी भी चीज को कम मत आंकना, यानी प्रकृति के चक्र को तोड़ना है तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो बेकार नहीं है, इसे सोचना है। उसे नष्ट करने का प्रयत्न हमारे लिए ठीक इस प्रेरक लघु कहानी की तरह अत्यंत घातक हो सकता है। आज के दौर में आपने देखा होगा, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा होगा कि जलंधर से पहाड़ियां साफ नजर आ रही थी। आज आ रही है क्या? आज वापस वही दमा चौकड़ी शुरू हो गई। प्रकृति अपना बैलेंस बना रही है, इसलिए आपको भी बैलेंस लाइफ में बनाना चाहिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 10 मई सोमवार आज का राशिफल। उम्मीद है कि रविवार के बाद सोमवार आपके लिए नई ताजगी, नई ऊर्जा लेकर आए। और कोशिश करिएगा कि मेंटल ट्रोमा, मानसिक अशांति, अज्ञात भय, टेंशन, कुछ लोगों का डिप्रेशन, इससे बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। कब तक हम सरकार को, सिस्टम को कोसते रहेंगे? उससे आपको फायदा मिलता है तो जरूर कोसिए। बेटर है कि हम अपनी गलती या अपने भीतर ही सुधार की एक उम्मीद जगाएं और अपनों के साथ भी ये शेयर करें, ताकि किसी एक शख्स का तो आज का दिन बन जाए आपकी कुछ जुबान से, आपके अच्छे शब्दों से, तो ये प्रयास जरूर करें। ये भी बड़ा पुण्य का काम होता है। चंद सेकंड हमेशा की तरह आप लोगों से आज भी चाहूंगा, जिसमें आज की कुंडली और आज के पंचांग पर हम बात करेंगे। प्रिय साथियों, आज रात को 9:55 तक चतुर्दशी और बाद में अमावस्या तिथि रहेगी और आज रात को 8:24 तक अश्विनी और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी योग, आनंद आदि योग, सुनफा योग का योग मिलेगा। आज एक नया योग बन रहा है, उसका नाम है आयुष्मान योग। और अगर आपकी राशि मेष, कर, तुला और मकर है तो शश योग का भी लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो आपको दो बार मिलेंगे। पहला है सुबह 10:15 से 11:15 तक शुभ का चौघड़िया है। दोपहर को 4 से 6 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया। कोशिश करिएगा कि सुबह 7:30 से 9 तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। और आज सुबह 8:42 तक स्वर्ग लोक की भद्रा भी रहेगी। प्रिय साथियों, 6 राशि तक का राशिफल देखने के बाद आज एक बहुत शुभ दिन पर घर में सुख और शांति बनी रहे और नहीं है तो प्राप्त हो जाए, इसका एक उपाय बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि जब हम पुस्तक या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे जेब में से पैसे गिर जाते हैं तो अब मुझसे सर पर क्यों लगाते हैं, इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा।
प्रिय साथियों, हमेशा की तरह राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए आज आत्मसम्मान और विश्वास का दिन है, क्योंकि आप ही की राशि में चंद्रमा रहेंगे। जब आत्मसम्मान और विश्वास हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। व्यापार में कोई इच्छा है, किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हो तो आज अनुकूल परिवर्तन का समय है। नए निवेश की प्लानिंग आज की जा सकती है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में डील पहले आराम से सोचिए, रिसर्च करिए और फिर प्लान करिए। वर्क प्लेस पर जटिल समस्याओं से आसानी से आप उसे सुलझाने के लिए जूझेंगे। दोपहर तक हालात थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। अपने आप को जितना हो सके स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखें, डिप्रेशन के शिकार कभी नहीं होंगे। आपको दूसरों द्वारा किए गए दोषों के लिए या दूसरों के काम में दोष निकालने के बजाय उसमें अगर सुधार कर सकते हो तो करें, नहीं तो खुद में कभी ढूंढकर उसका सुधार तो जरूर करें। मित्र सहयोग देंगे। हाई या लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहेगी। अपने खाने पीने की चीजों में और उसके समय पर, उसकी शुद्धता पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आज। मां का स्वास्थ्य आज आपके किसी विशेष कृपा की वजह से ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सकारात्मक परिणाम आज जरूर प्राप्त होंगे और एक पॉजिटिविटी, सेल्फ असेसमेंट करके कुछ नुस्खा निकाल देंगे। लकी कलर ऑरेंज नंबर 1 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, कानूनी मामले सुलझेंगे। लीगल कॉम्प्लिकेशन, पुलिस से कोई झड़प हो गई है, आस पड़ोस में किसी से झगड़ा हो गया है, किसी से मतभेद है तो वो सुलझ सकते हैं। बिजनेस में परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। नकारात्मक विचार आपको थोड़ा परेशान करेंगे, इसलिए नकारात्मक लोग, विचार, एनवायरमेंट से दूरी बनाकर रखें। कामकाज में असफलता मिलने के लिए आप अपने आप को दोषी आज मान लीजिए, जिससे दिन आपका अच्छा हो सकता है। नौकरी में प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, बॉस, ऑफिसर के लिए यह दिन थोड़ा अशुभ हो सकता है। आप दोनों के सुर, ताल और लय नहीं बैठेगी। वर्क प्लेस पे जिनसे आपका सीधा सरोकार नहीं है, जो खबरें आपके काम की नहीं है, उस पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं। आजकल जिसको देखो फोन पे बात करेंगे, बेड नहीं है और मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल बीमार है, देश का कुछ नहीं हो सकता है, सिस्टम खराब है। अगर ये बातें करके आप कुछ स्पेशल कुछ कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये बातें करिए, वरना ये एटलीस्ट ये बातें करना बंद कर दीजिए। पारिवारिक कलह से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। परिवार में अधिकतर मौन रहें और दूसरों को भी ये फॉर्मूला दीजिए। कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं हो सकता है। आपका काम बिना बाधा के आसानी से आगे बढ़े, ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे इस पर ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर मानसिक बीमार हो रहे हैं, आप ठीक कर दीजिए। टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च करने वाले स्टूडेंट के लिए आज कन्फ्यूजन रहेगा। मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश रहेगी। एसी से दूर रहें, कोशिश करें कि गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करें। लकी कलर येलो नंबर 4 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, आमदनी को बढ़ाने, एटलीस्ट उसके बारे में बात करने, जॉब छूट गई है, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बंद है, तो घर पर बैठकर कैसे आमदनी जनरेट की जा सकती है, आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे मौके बनेंगे, अपॉर्चुनिटी कौन सी आ सकती है, इस पर रिसर्च तो की जा सकती है, इसी से लाभ मिल जाएगा। बिजनेस में अपने आप को सहयोग जरूर देंगे और चिंता को दूर करने मदद करेंगे, मन इसी से प्रसन्न हो जाएगा। लाभ कमाने या पैसा कमाने के 2 बार आपको नए अवसर मिलेंगे और नए अवसर को चूकिएगा मत, भुनाइएगा। वर्क प्लेस पर अगर आप वर्क फ्रॉम होम में इन्वॉल्व हैं तो मन लगाकर काम करिए, कहीं ऐसा ना हो कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू झगड़ों के चक्कर में आप अपना ही डिस्टर्बेंस कर लें। वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, आपको आज सिर्फ एक काम करना है, बॉस को खुश करना है, अच्छा काम करके कार्य समय पर करने से ही आपको लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर प्रयास और सतर्कता से कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी के मोर्चे पर एक नया असाइनमेंट पर काम किया जा सकता है। अगर आपको काम करते करते कहीं ऐसा लगे कि यार ये एक अच्छा आइडिया है, जो मैं बॉस को दूं तो खुश हो जाएंगे, वो जरूर करना चाहिए। परिवार में आप अपनी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को संजो कर रखिए। लव लाइफ और रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन शानदार रहेगा और दोनों मिलकर बाकी लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करिए, आसानी से तो नहीं लेकिन बेहतर मेहनत करके लाभ जरूर मिलेंगे। किसी भी लोहा, धारदार हथियार, आग और करंट, ऐसी नुकीली चीजों से सावधान रहें, आज खतरा है। और ट्रैवल तो बिल्कुल भी नहीं करें, जरूरी हो तो ही करना चाहिए वरना टाल दें। लकी कलर पर्पल नंबर 2 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, जॉब में आपको ये सोचना है कि आप कैसे तब्दीली कर सकते हैं। जब आप बिस्तर से सुबह उठें तो ये सोचिए आप नया काम कैसे कर सकते हैं, काम में नयापन कैसे लेकर आ सकते हैं। बिजनेस में नए संबंध बनेंगे जो भविष्य में लाभदायक जरूर रहेंगे। सुख समृद्धि भी इससे बढ़ेगी और नौकरी में आपकी ऊर्जा का स्तर भी थोड़ा ऊंचा होगा।
वर्क प्लेस पर कार्य में सफलता की प्रबल संभावना है। बढ़े हुए खर्च के बावजूद आप चिंता में नहीं रहेंगे, बल्कि चिंतन करके बड़ा लाभ कमा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य से बेटर हो सकता है, बस चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द ले आएगा। छोटे या बड़े भाई बहन आपके प्रति उदासीन रवैया रख रहे हैं, आप इसे ठीक करिए। आप अपने माँ बाबूजी को कुछ ऐसा करके दिखाइए कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने क्षेत्र में चुस्त और तंदुरुस्त आज रहेंगे, एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर लेंगे। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा पहले से बेटर हो रहा है, लेकिन गलत फहमी मत पारिएगा। लकी कलर ग्रे नंबर 7 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान पूजा पाठ, धर्म कर्म, सोसाइटी, सोशल काम करके आप अपना मन शानदार कर देंगे और इससे वाहवाही मिलेगी, तारीफ पीठ पीछे भी अब होगी। व्यापार में मन के अनुकूल लाभ हो, नई योजना बनाइए इसके लिए। और जिन लोगों का व्यापार बंद है, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री लॉकडाउन के कारण बंद है, उन लोगों को एटलीस्ट योजना जरूर बनानी चाहिए, आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। वर्क प्लेस पर दोपहर खत्म होने तक आपका कोई सामान्य काम आपको कुछ परेशान कर सकता है, जो लगता है ये तो हो गया कि वो डिस्टर्ब कर सकता है, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आज आपका एक स्पेशल काम पूरा होगा। आपके वैवाहिक और पारिवारिक जिंदगी में सुख और चैन थोड़ा जरूर आएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की सेहत आज तंदुरुस्त रहेगी, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में मेहनत कर लीजिए। आपको अपनी दवा और भगवान से प्रार्थना समय पर कर लेनी चाहिए, सभी निर्देशों का पालन करिए, मजा आ जाएगा। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 3 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, पैटर्नल्स, दादा दादी ददियाल, परिवार के चाचा ताऊजी से आपको आज एक समस्या का हल मिल जाएगा। उनसे बात करिए, बड़ों का आशीर्वाद दीजिए, काम की शुरुआत करिए, आपको आज पुण्य का काम करने का मौका भी मिलेगा। सितारों का साथ आपके साथ फाइनेंशियली पूरा नहीं होगा, लगातार प्रयास करने से वो अपने आप अट्रैक्ट होगा और बिजनेस में नई योजनाएं तो बनेंगी, लेकिन पहले की योजनाओं का क्या हुआ इस पर जरूर रिसर्च करिए। कोरोना काल के कारण ज्यादातर लोगों के बिजनेस ठप है, लेकिन आप अपनी पार्टनरशिप और बॉन्डिंग को और मजबूत रखिए, एक न एक दिन आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। बहुत सारे उल जलूल विचार इंसान की जिंदगी में रोजाना आते हैं, तकरीबन 60,000 से ज्यादा विचार एक दिन में इंसान के आते हैं। आप सिर्फ अच्छे विचारों पर ध्यान दीजिए, बुरे विचारों को डिलीट कर दीजिए। वर्क फ्रॉम होम हो या ऑफिस से हो, उचित संसाधन जो रिसोर्सेज हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे, साथ नहीं मिल पाएगा, और यही मौका है कि अपने आप को प्रूव करिए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं। अत्यधिक बोझ का सामना भी करना पड़ेगा, हो सकता है दो लोगों का काम आपको अकेले करना पड़े, जल्दीबाजी आज बिल्कुल मत करिएगा, ठार ठार के खाना ही समझदारी रहती है। मन पुनः आपको अपने ऑफिस के काम में लगाना चाहिए, मेंटल अटेंडेंस तो हम कर देते हैं लेकिन फिजिकल अटेंडेंस नहीं हो पाती, आज मेंटल और फिजिकली अपने काम में जुड़िए। नौकरी पेशा लोगों का काम में बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ेगा और परिवार की जो जिम्मेदारी है उसे नहीं निभा पाएंगे, उससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेहनत तो करिए लेकिन स्मार्ट वर्क जरूर करिए, और परिवार की पद और प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ सकती है, और लव लाइफ से दिन भर थोड़ा तनाव रहेगा। कोरोना के चलते एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स अभी भी होने वाले हैं, चाहे ऑनलाइन हो, आप तैयार और तत्पर रहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम हो, तैयारी शानदार करिए। स्वास्थ्य की समस्या थोड़ा बेचैन करेगी, नकारात्मक विचार और लोगों को जो नकारात्मक बातें करने का शौक है, उन दोनों ही चीजों से आप दूर रहें, उनको त्याग दीजिए। याद रखें कि हर सर्दी जुकाम खांसी बुखार गले की तकलीफ कोरोना नहीं होता है, इसलिए आप धीरज धैर्य और संयम रखें, खान पान का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। हमारा स्वास्थ्य अनमोल है, नहीं कोई इसका मोल है। लकी कलर ग्रीन नंबर 5 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, अब एक विशेष उपाय की बात करते हैं, 6 राशि के बाद सुख और शांति। अगर ये दो चीज आपके पास है तो फिर आप बाकी सब चीजें भूल जाएं, ये है तो बनी रहे, नहीं है तो प्राप्त हो, इसके लिए एक विशेष उपाय आज बता रहा हूं। प्रातःकाल एक कटोरी ले लें, उसमें जल भरकर 3-4 बूंदे गंगा जल और थोड़ा गौमूत्र डालकर सूर्य की रोशनी में रख दें। 3 घंटे बाद भगवान का स्मरण करें और पूरे घर में अशोक के पत्ते से या दूर्वा से छिड़काव करिए। फिर आप गूगल की धूप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में उसे घुमाएं। शाम के समय घर के बाहर अष्टगन से दोनों साइड की दीवार पर स्वास्तिक चिन्ह घर की कोई महिला बच्ची बनाएं। धूप दीप कर गंगा जल का छिड़काव करिए, सुख शांति हमेशा के लिए बन जाएगी। तुला राशि, शादीशुदा है
तो पति पत्नी, नहीं है तो लव पार्टनर, और वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ बैठकर बात करिए, ऑनलाइन बात करिए, ग्रुप डिस्कशन से बात करिए, कुछ न कुछ मसले का हल जरूर निकलेगा और कुछ समय के लिए सही मानसिक तनाव जरूर दूर होगा। एकाग्रता और लगातार कर्मठता और दक्षता के साथ अपना काम करिए। ऑनलाइन बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर फ्रीलांसर्स लोगों के लिए बल्ले बल्ले वाला दिन है। अगर आप सफल वाकई में होना ही चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता अब लाने के लिए पूरा प्लान करिए। इसके लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम बहुत शानदार होता है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम के बारे में बहुत उत्साहित महसूस करेंगे, जोश में होश मत खोइएगा, मजा आ जाएगा। और अपने काम के पूरा होने से पहले चुप रहें, बोलोगे तो आपके काम में नजर लग जाएगी। आप और आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी किसी भी मामले पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, यानी आप सजग रहें। ग्राहक खुद सावधान रहे तो इंसान को तकलीफ नहीं आती है। आपका पारिवारिक जिंदगी या पारिवारिक जीवन आपके स्पेशल प्रयास, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट से आज शानदार हो सकता है। यदि आपका लव पार्टनर मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है तो आपके स्पेशल प्रयास से शाम तक वो ठीक हो जाएगा। कोरोना काल के चलते स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का स्केड्यूल बिगड़ चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन घर पर बैठकर भी बहुत सारे काम अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर कुछ कर सकते हैं। आप करिए जरूर, स्पेशल रिसर्च करिए। लकी कलर क्रीम नंबर 4 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी से आज छुटकारा मिल जाएगा। साझेदारी में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर हो, तो कोई डील करिए, अच्छी डील करिए, प्रोफेशनल डील करिए, पर्सनल डील करिए, और इसी से काम में लाभ मिलेगा। विरोधी और शत्रुओं का पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाएगा। आपकी परफेक्शन और काम में डेडिकेशन को देखकर नौकरी में कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस पर रूटीन को थोड़ा बदलाव करके बड़े लाभ कमाए जा सकते हैं। आप रूटीन को कैसे बदल सकते हैं, कहां से समय चुरा सकते हैं, यह आपको सोचना है। परिवार में सभी प्रकार के सुख और शांति के संकेत हैं। आपको अपने संतान से कुछ परेशानी आ सकती है, बातचीत के दौरान झगड़ा फसाद भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने पेंडिंग काम को पूरा करने में आज मस्त रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे। माता जी और घर की महिलाओं का विशेष ध्यान रखिए, उनका इमोशनल मजबूत करिए, उनके मोरल को डाउन मत करिए, क्योंकि वो मानसिक तनाव में है। लकी कलर सिल्वर नंबर 6 शुभ रहेंगे। धनुराशि, आकस्मिक कुछ परिवर्तन होने वाला है। हो सकता है शेयर मार्केट में कोई डील मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी की डील मिल जाए, हो सकता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे पैसे से आप पैसा कमा सके। नहीं है तो खोजिए, रिसर्च करिए। जो लोग रिसाइकलिंग का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के प्रोडक्ट को बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन लोगों को आय और मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर सहयोग के साथ शुभ समाचार भी जेनरेट होंगे और इस शुभ समाचार से आपका तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जिसको सुनाओगे उसका भी दिन बन जाएगा। नौकरी में सीनियर्स, कलीग आपकी जरूर सकारात्मकता की तारीफ करेंगे। सरकारी जो महकमे के लोग हैं उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई झगड़ा, फसाद, किसी स्कैंडल में, किसी तकलीफ में फंस सकते हैं, दूर रहें। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, मन इसी से प्रसन्न होगा। लव अफेयर स्मूथली आगे चलेंगे, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन। आपका जीवन साथी और जीवन संगिनी आराम चाहता है, आपसे कुछ देर बैठकर बात करना चाहता है, जरूर करिए। अन्य मुद्दों को सुलझाने में जो आप नहीं सुलझा सकते हैं, उसमें समय और ऊर्जा मत वेस्ट करिए। और जब भी आप जल्दीबाजी करते हैं तो पहले चेक करिए कहीं आपने गलती तो नहीं करती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सिर्फ आज 2-3 घंटे के लिए लगातार अपने काम पर फोकस करिए। सोशल मीडिया और गैजेट्स को दूर कर दीजिए, मजा आ जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है, हर किसी का है यही पक्ष, बेहतर स्वास्थ्य को बनाओ लक्ष्य। लकी कलर ब्राउन नंबर 8 शुभ रहेंगे। मकर राशि, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, जो कोई भी घर में स्त्री है उनका विशेष आपको ख्याल आज रखना है। बिजनेस में रुके हुए पैसे और काम पर ज्यादा एनर्जी मत लगाइए, उसके चांसेस कम है बनने के, लेकिन नया पैसा कमाया जा सकता है, इस पर एनर्जी ज्यादा लगाइए। नौकरी पेशा लोगों के मंत्री, बॉस, ऑफिसर इसलिए नाखुश रहेंगे क्योंकि उन्होंने आपको काम दिया था और काम आपने आगे सौंप दिया और उन्होंने ढंग से नहीं किया, आपको तकलीफ आ जाएगी। जो भी आपके पास संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनका सही इस्तेमाल करिए, आलस्य से बचिए, शत प्रतिशत रिजल्ट मिल जाएंगे। प्रॉब्लम्स और झगड़ों को सुलझाने में बिजी रहने की पॉसिबिलिटीज है, पर तब उसमें एंटर होइए जब आपको लगता है कि आप इसे सुलझा सकते हैं। ज्यादातर सोचे हुए काम आज पूरे नहीं होंगे, इसलिए सोचिए मत, लगातार करते जाइए।
कार्य क्षेत्र में हालात सामान्य आपको करने पड़ेंगे और पारिवारिक जिंदगी की गाड़ी को भी पटरी पर लाने के लिए वक्त रहते परिवार को वक्त दीजिए, इसी में भलाई है। आपके लिए बेहतर होगा कि दिन को शांति और शाम को सुख के साथ बिताया जाए। जीवन साथी से या लव पार्टनर लाइफ पार्टनर से सुर ताल और लय शानदार रहेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स भयभीत तो होकर नहीं साक्षी भाव से स्थितियों का आकलन करना चाहिए। कुछ नया सीखने का प्रयास आपको अद्भुत एहसास कराएगा। स्वास्थ्य को लेकर मेडिसिन समय पर और भगवान से प्रार्थना समय पर करिए, मजा आ जाएगा। लकी कलर पिंक नंबर 5 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, साहस करेज एंथुसियाज्म इसका सही इस्तेमाल करिए, दिन आपका बन जाएगा और आपका दिन बनते हुए देख किसी और का भी बन जाएगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट किसी और का भी दिन बना सकती है। बिजनेस में चल रही समस्याओं को समस्या न मानकर अपॉर्चुनिटी मानिए, आपदा में अवसर खोजिए, मजा आ जाएगा। आर्थिक पक्ष को सामान्य अब करना पड़ेगा। पूरा दिन ऊर्जावान और चुस्त रहिए और कुछ नयापन लाइए आज के काम में, आज के दिन में आपको लिए आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वर्क प्लेस पर परिश्रम से कार्य बनेंगे और स्मार्ट वर्क से आपका शानदार दिन और शाम भी बन सकती है। मान सम्मान और प्रभाव आपका बढ़ेगा। पर्स, महंगी चीज, घड़ी, डॉक्यूमेंट, इस पर ध्यान दीजिए, चोरी हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन यानी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आक्रात्मकता किसी काम के नहीं, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है। इसलिए प्यार, इश्क और मोहब्बत यही आपको लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ अपनाना चाहिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परिवार के साथ संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने की पूरी संभावना। अपने दिल की बात शेयर करिए। सेहत बढ़िया है इसके और बढ़िया करने के लिए प्रयास करिए। लकी कलर व्हाइट नंबर 1 शुभ रहेंगे। मीन राशि, पैसा इन्वेस्टमेंट करना अगर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मैसेज करते हैं पैसा ही नहीं है, आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट करना, तो पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा पाया कैसे जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो खर्च और कर्ज को एटलीस्ट कम कैसे किया जाए, इस पर आज विचार करना बड़ा शुभ रहेगा। बिजनेस में महत्वपूर्ण कार्यों पर धन व्यय होगा, हो सकता है कर्जा भी लेना पड़ जाए। नौकरी में उन्नति का कोई शुभ अवसर आपके हाथ लग जाएगा, चूकिएगा मत। वर्क प्लेस पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने में अपना समय और ऊर्जा को बर्बाद करने का कोई काम नहीं करें। घर में आप शाम को अपने परिवार के साथ सदस्यों के साथ प्यारा समय बिताएंगे। एंटरटेनमेंट, अच्छा भोजन, अच्छा लाभ मिलेगा और आपको परिवार के सबके साथ विनम्रता से बॉन्डिंग मजबूत करनी चाहिए। और कोई भी सलाह देने से पहले बचना चाहिए, बिना मांगे सलाह की कोई अहमियत नहीं होती। आप और आपका जीवन साथी लव पार्टनर काफी व्यस्त रहेंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ मन लगाइए और तन और मन से ही पढ़ाई करिए, सो हो सके तो गैजेट्स को दूर रखिए, आपका दिन बन जाएगा। योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार से ही दिन की शुरुआत करिए और सेहत के मामले में ग्रह आपके पक्ष में है। लकी कलर गोल्डन नंबर 7 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, आइए अब एक सवाल जो मैंने पूछा था उसका जवाब देता हूं। जब भी हमारे हाथ से कोई पुस्तक गिर जाती है या पैसे गिर जाते हैं, हम उसे माथे पर लगाते हैं, पैर लग जाते हैं तो हम सर पर लगाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, मां सरस्वती का प्रतीक है और ज्ञान अलौकिक है। गलती से पुस्तक के पैर लग जाए तो हम सिर पर लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमें अज्ञानता से या इसके अंधेरे से दूर रखें। और पैसे लक्ष्मी के प्रतीक है, नीचे गिर जाए तो लक्ष्मी का अपमान होता है। और बहुत सारे लोगों ने अगर ऐसा किया, कहा गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, पैसे को लात से ठोकर मार देते हैं और ऐसी गरीबी आ जाती है कि 2 जून की रोटी भी जुटा नहीं पाते। लक्ष्मी हमसे रूठ जाती, इसलिए उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। हम तो धरती को भी मां कहते हैं, इसलिए नीचे गिरे हुए पैसे और पुस्तक अगर गिर जाए तो माथे पर जरूर लगाइए, उसका सम्मान करिए। और यह सम्मान कहीं ना कहीं ईश्वर देखते जरूर आपको सम्मान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अब एक सवाल के साथ प्रिय साथियों आप लोगों को छोड़े जाता हूं। क्यों करवानी चाहिए सुंदरकांड की कथा या सुंदरकांड, इससे क्या होता है? इसका जवाब मैं कल कार्यक्रम के अंत में दूंगा। प्रिय साथियों, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर अपने दिन को गुजारिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा आप मुझसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ शरीर रुद्राक्ष प्रदान करता है, स्वस्थ मन स्फटिक प्रदान करता है और भोलेनाथ की शक्ति अमोघ महामृत्युंजय कवच के साथ इस त्रिशक्ति माला में हमने समाहित की है और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में इसे निर्मित नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठित भी किया जा रहा है। इस त्रिशक्ति माला से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ स्वस्थ तन और स्वस्थ मन भी पा सकते हैं। इस माला को परिवार का कोई भी सदस्य धारण कर सकता है। इसे धारण करने के कोई परहेज नहीं है, बल्कि इसे धारण करके भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा।
आप अपने और अपने परिवार के लिए इस माला को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं।